हेलो फ्रेंड्स, जायकेदार तड़का में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ हरी मिर्च की कलौंजी, जिसके लिए ना ही हमें कलौंजी के मसाले की ज़रूरत है और ना ही मिर्च को भरने की। तो चलिए देखते हैं। जिसके लिए हमें 15-20 हरी मिर्च चाहिए, जिसे मैंने धो के साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से। हम इसके डंठल को अलग कर लेंगे सारे के सारे मिर्च से, देखिए इस तरीके से। सभी को अलग कर लेना है। अब उसके बाद एक चाकू की सहायता से इसमें बीच में चीरा लगाना है, ताकि नमक और मसाले अच्छे तरीके से इसके अंदर चले जाएं। फ्रेंड्स, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, आपके खाने का स्वाद बढ़ा देगी। देखिए इस तरीके से सभी को मैंने कर लिया है। देखिए, अब इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे ये अजवाइन और मंगरेल है जिसे कलौंजी भी बोलते हैं, आमचूर पाउडर और नमक। बस इन तीन चार चीज़ों से ये बनेगा। चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर रखेंगे कढ़ाई, इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे अजवाइन और मंगरेल। देखिए, अब इसे एक मिनट चटकने देंगे चला के। देखिए इस तरीके से, अब ये जैसे ही थोड़ा सा चटक जाए, अब इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च। अब इसे अच्छे से चला देना है, ताकि तेल जो है सारी मिर्च में लग जाए। उसे अच्छे तरीके से चला के इसे ढक देना है। देखिए, ढक के तकरीबन 1-2 मिनट और पकाना है इसे। चलाते हुए बहुत जल्दी पक जाती है। बस देखिए, लगभग ये आधे से अधिक पक चुकी है। देखिए, अब इसमें हम डालेंगे आमचूर पाउडर, क्योंकि अब ये हो चुकी है इसलिए अब उतारना है हमें, और नमक, इसलिए हम लास्ट में डाल रहे हैं, ताकि आमचूर पाउडर जले ना। फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ आमचूर पाउडर नमक डाला हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल कलौंजी वाला जो है टेस्ट देगा, और ये खाने में बहुत ही चटपटी और टेस्टी होती है। ये आपके दोपहर के या रात के खाने का स्वाद बिल्कुल बढ़ा देगी। देखिए फ्रेंड्स, हम गैस को कर देंगे बंद। बहुत ही चटपटी सा मिर्च तैयार है। देखिए, ये देखने में ही कितनी खूबसूरत लग रही है, हरी हरी तीखी सी एकदम। देखिए, इसे बना के आप फ्रिज में रख के तकरीबन 4-5 दिन तक खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।